नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। अचानक मैं रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक पड़ा है ग्राम पंचायत बरहा में बना हुआ पंचायत भवन। जब हम यहां पर आए तो देखा कि यहां का लेंटर जो है लपलपा रहा है। सीधी बात मैं आपको बताऊँ, देहाती भाषा में अगर यहाँ पर कोई भी आएगा, बारिश हुई, लेंटर टपक रहा है और लेंटर गिर जाता है तो यहाँ 4-6 तो जाने वाले हैं, 4-6 लोगों की मौत होना यहाँ पर स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम ग्रामीणों से जानेंगे कि इस संदर्भ में शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी और अगर की गई थी तो फिर इस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, एक एक करके हम जानेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो पंचायत भवन आपके, ये आप इसी गांव के निवासी हैं? नाम अवधेश सिंह। ये जो पंचायत भवन आपके यहाँ बना हुआ है, ये पंचायत भवन किसने बनवाया था? सुखराम सिंह चौहान। ये कौन थे सुखराम सिंह चौहान? प्रधान। वर्तमान है ना? भूतपूर्व। पूर्व प्रधान सुखराम सिंह के कार्यकाल में ये पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। अच्छा, ये जो पंचायत भवन का निर्माण कराया गया, इस पर लेंटर पड़ा, अभी हमने देखा है कि बिल्कुल झूल रहा है और इसमें लोग बैठते भी होंगे, क्योंकि कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इसमें लोग बैठते होंगे, तो क्या खतरा है उन लोगों को वहां पर बैठने से? खतरा वो गिरने ही वाला है। तो गिरने वाला है और लेंटर गिरेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे ना। तो अच्छा, इसकी शिकायत जो है आपको इसके बारे में जानकारी थी? नहीं नहीं, हम बाहर गए। भाग गए? आप भी बाहर गए हैं? नहीं आए तो यही। आपको इसकी जानकारी थी? हाँ, जानकारी थी। अच्छा, ये जो लेंटर झूल रहा है इसकी जानकारी थी? अच्छा, यहाँ पर किसी ने शिकायत ऊपर उच्च अधिकारी की है? शिकायत तो की गई लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसकी कोई भी सुनवाई नहीं है। यहाँ देखिए, अधिकारियों की भी लापरवाही की, शिकायत तो ऊपर की गई है लेकिन इस पर कोई भी विधिक कार्रवाई नहीं की गई है। और भी लोग हैं, हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अच्छा, हम थोड़ा आपको ऊपर से नज़ारा और दिखा देते हैं पंचायत भवन का। हमें जीना यहाँ दिख गया है जिसके माध्यम से हम ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पर जो निर्माण करवाया गया है वो देखिए किस हिसाब से करवाया गया, ये देखिए। यहाँ से बीच में जो है ये काफ़ी हद तक, ये देखो पानी भरा हुआ, तो ये सीधा सीधा ये इस बात का उदाहरण है कि यहाँ पर गड्ढा है, फिनिशिंग नहीं की गई है और अगर पानी भरा रहेगा तो एक दिन वो आएगा, ये ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ पर अभी हमारे छायाकार ने दिखाया होगा आपको कि एक चटक भी गया है, यहीं से पानी जाता है और चटकन को दूर करने के लिए यहाँ पर सीमेंट लगाकर अपनी कमी पर पर्दा डाला गया है। आइए नीचे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे और जानेंगे इस पंचायत भवन का पूरा वाक्या। यहाँ पर काफ़ी लाखों का खर्चा आया हुआ है पंचायत भवन को बनाने में। यहाँ पर ग्रामीणों में एक आक्रोश भी है कि आखिर इतना पैसा जो लगाया गया है वो सब बेकार हो गया क्योंकि उसका सही से निर्माण नहीं कराया गया है। और भी लोग यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पंचायत भवन का निर्माण सही से कराया गया या नहीं कराया गया। पंचायत भवन जो बनवाया गया है इसके अंदर की स्थिति अभी हमने देखी कि लेंटर जो है झूल रहा है, एक मोटी दीवार है उसी पे 4 इंची की दीवार लगा दी गई है और लेंटर डाल दिया गया। लेंटर इसकी ये है कि नीचे काई लगा हुआ है, पानी नीचे आता है, कभी गिर सकता है, क्या है ये सब? तो ये जाँच होनी चाहिए उस समय जो जूनियर इंजीनियर ने एस्टीमेट बनाया है, उसके बाद अधिकारी आए होंगे, उन्होंने जांच किया होगा, तो अब अधिकारियों का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जेई के प्रधान के कार्यकाल का ये काम हुआ है, इसमें सभी ऊपर कार्यकाल में जो हुआ है वो केवल प्लास्टर हुआ है और फर्श हुआ है, बाकी लेंटर और ये सब पूरी बिल्डिंग उन्हीं के कार्यकाल, पूर्व प्रधान के कार्यकाल की है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी लिप्त हैं। सीधी बात ये है, चाहे जेई हो, चाहे CDO हो, चाहे यहाँ के ग्राम प्रधान हो या अन्य अधिकारी जो उससे संबंध रखते हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक मिले हुए हैं। मुझे कहने में जरा सी भी हिचक नहीं है, ये कर रहे हैं दलाली, ये लोग हैं दलाल और इनको ही ख़त्म करने का काम हम लोगों ने उठाया है। और यहाँ पर ग्रामीणों में भी काफ़ी आक्रोश है कि एक जैसे तैसे तो एक पंचायत भवन बन पाया और उस पंचायत भवन की जो छत है वो गिरने की स्थिति में है, कब गिर जाए पता नहीं लगे। और यहाँ पर अंदर काफ़ी लोग बैठते भी हैं, क्योंकि पंचायत भवन में बैठना होता है लोगों का, उनके सर पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। अच्छा, ये शौचालय जो है इसमें ताला लगा हुआ है, ये थोड़ा बताएंगे आप हमें, क्योंकि ये सार्वजनिक है, सामुदायिक शौचालय है, इसमें ताला किसने लगाया?
इसमें ताला खोलिए आप, ये सार्वजनिक है और सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि लोग यहाँ पर हम देखा है कि खा खा कर थूक रहे हैं यहाँ पर। दिखाओ जरा, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य अपने उत्तर प्रदेश का है और खासकर जनपद मैनपुरी का, कि लोग खा खा कर थूक देते हैं। जहाँ लिखा होगा यहाँ थूकना मना है, वहाँ पर जरूर थूकेंगे। तो ये स्थिति थोड़ी है, कुछ गलतियाँ हैं उनको मैं करवाता हूँ। यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं खोलने की, शौचालय का जो गेट है, ये महिला शौचालय सामुदायिक शौचालय है और इसका निर्माण वर्ष 2020-21 के सेशन में कराया गया था। उस टाइम पे शायद प्रधान सुखराम जी थे, क्योंकि नाम भी ये लिखा हुआ है, कुछ ग्राम प्रधान सुखराम सिंह, उनका नंबर वगैरह भी ये सब दिया गया है। तो ये किसी ने ईंटें मार के टेढ़ा भी कर दिया है उसकी, जो ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये न्यास, देखो ये कंडीशन है यहाँ की। तो ये भी गलत तरीके से निर्माण कराया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो गेट को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ईंटों से उसकी जो कुंडी जिसमें ताला फंसता है उसको सीधा करके कहीं ना कहीं किसी अराजक तत्व ने इसका ईंट से मार के टेढ़ा कर दिया होगा, जिससे ताला खुलने में समस्या आ रही है और कहीं ना कहीं इसी कारण इसमें ताला भी लगाया गया होगा कि लोग यहाँ पर नुकसान करते होंगे अंदर। दादा क्या है न्यास में, क्या समस्या थोड़ा बता दें। न्यास में क्या, चार रद्दे नीचे लगे हुए केवल, और ये भराव वाली दीवार है। जब ये लग रहे थे रद्दे तब आपने विरोध किया था इसका? विरोध किया था, लेकिन जब सुनने वाले कौन है, सेक्रेटरी और प्रधान अपने अपने मर्जी काम करते हैं। उधर देख के बताएं जी, प्रधान और सेक्रेटरी अपनी मर्जी से काम करते हैं, किसी सदस्य को आज तक बुलाया नहीं गया, ना कोई मीटिंग हुई। आप बनवाना है घटिया बनवाना है, कोई चाहे सर केवल हो जाए। हाँ ये बात है, इसमें न्यास जो है आपके अनुसार चार चार रद्दा न्यास रखी गई है और ये तो गिर जाएगा इस हिसाब से, तो क्योंकि बाहर भी कच्चा ही मालूम पड़ रहा है। सब कुछ है क्या इसमें, ड्रामा है केवल? उसके अंदर की दीवार स्कूल की बाउंड्री के ऊपर से वो दीवार चला दी गई है, वो अंदर से वो पूरा वो हो गया, वो दीवार अलग से बनी नहीं है, वो रख दिया गया दीवार किना के। यहाँ पर ग्राम प्रधान को शर्म नहीं आती इस तरह के घटिया काम करते हुए, और ये दावा करता हूँ यहाँ पर अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही को एक समय वो आ जाएगा अपने देश में ये दीमक लगा के चले जाएंगे। और इन जैसे लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहता, ये आप लोग भली बात जानते हैं। यहाँ पर अपने सम्मानित छायाग्राहक चाहते हैं कि गेट ये दिखाएं, गेट के ऊपर ये हम कहाँ पर व्यवस्थित हैं, अभी कहाँ उपस्थित हैं, नहीं तो बाद में प्रधान जी ये कहें कि हम तुम्हारे ऊपर मानहानि का दावा करेंगे, तुमने गलत सूचना चलाई। ये देखिए गेट, आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा, यहाँ पर जो वर्तमान प्रधान है कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वो अपने अच्छा कार्य कराना चाहते हैं, लेकिन पूर्व में जो कार्य कराया गया है उसको अच्छा कराने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, वो भी करा रहे हैं, लेकिन जब नेहास ही गड़बड़ कर दी गई है तो उस पर दीवार कैसे उठाई जाए, बात ये है। आप देख रहे थे प्रतीक तिवारी के साथ एम बार।